लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, 80 घाट एवं दशाश्वमेध घाट, और हमने कुछ ट्राई किया था जो यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड होते हैं, हमने वो भी ट्राई किया था। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाओ, वीडियो देखो। हालांकि उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी कमाल का वीडियो था और आप सभी लोगों का यार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार रहा। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जाने वाले हैं BHU और नमो घाट और यहाँ के जो फेमस स्ट्रीट फूड है, यानी कि BHU के आसपास के जो भी स्ट्रीट फूड हैं हम वो ट्राई करने वाले हैं। तो ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो को आप मिस ना कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का क्या व्यू होने वाला है, क्या ब्लॉग होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज है बनारस में हमारा दूसरा दिन और अभी हम आए हुए हैं BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और आज हम यहीं पे घूमने वाले हैं। तो आज का जो यात्रा है हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है। अभी हम कैंपस में इन कर चुके हैं, पीछे आपको मुख्य द्वार दिख रहा होगा, और BHU जो है वो लंका में पड़ता है भाई। तो इसमें हम कई सारी चीज़ें हैं जो इस जगह पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ के बारे में बताने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस न कर सके। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, हम आपको क्या दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और अभी हम आ चुके थे श्री विश्वनाथ मंदिर, जो कि BHU कैंपस के अंदर में है, और हमने वहाँ से ऑटो लिया था तो यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने 10 रुपये लिए। आप आना चाहो तो आप आ सकते हो, कोई भी टुकटुक वगैरह होता है जो बैटरी रिक्शा वाला जो गाड़ी होता है आप उन्हें बैठ सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप बोलते हो कि हमें मंदिर जाना है तो आपको यहाँ पर ले आते हैं। अंदर आने के बाद भाई साहब व्यू देख सकते हो, काफ़ी कमाल का है। और जैसे ही आप मंदिर के करीब आते हैं, मंदिर आपको सामने में दिख रहा होगा, यहाँ से एंट्रेंस गेट है जहाँ से लोग इंटर कर रहे हैं। इसके जस्ट सामने में आपको एक स्टैचू दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये स्टैचू जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है, जो काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे थे और उन्होंने ही बनाया था इसे। और फाइनली अभी हम इन कर चुके थे काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में, और ये आप अंदर का व्यू देख सकते हो। और अंदर का जो व्यू है भाई काफ़ी कमाल का है, काफ़ी भव्य मंदिर है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ सही है कि आप मोबाइल वगैरह लेके आप अंदर तक आ सकते हैं, जो गर्भगृह है सिर्फ उसमें आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, वहाँ का वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बाकी आप देख सकते हो सामने का जो व्यू है वो काफ़ी कमाल का है। मेन गेट जो आपको सामने में दिख रहा होगा वो गर्भगृह का है। ये दीवार पर जो आपको जो कलाकृति दिख रहा है भाई, आप देख के समझ सकते हो कि ये मंदिर कितना भव्य है। बाकी मैं इसका फुल सिनेमैटिक सीन भी आपको दिखाऊंगा, फुल सिनेमैटिक लुक आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो को आप मिस ना कर सके। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
जो अभी आप देख रहे हैं, ये है विश्वनाथ मंदिर के अंदर का व्यू। और इसके बाद अभी हम चलेंगे बाहर की, और बाहर चल के आपको दिखाएंगे कि बाहर में क्या क्या है। और हमें उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको इस मंदिर के बारे में बताई और जो व्यू मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया, आपको यार काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सके। भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और आगे वीडियो की ओर, और आगे का व्यू दिखाते हैं। यार इन्जॉय करना वीडियो, लास्ट तक जरूर देखना। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा सेकेंड टाइम है बनारस में, ऐसे बोला जाए तो फर्स्ट टाइम है जब मैं बनारस को घूम रहा हूँ, बनारस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम है। तो अगर हमसे कोई गलती हो रही हो भाई तो उसे आप इग्नोर करना और कमेंट बॉक्स में उसे सुधारने का कोशिश करना। बाकी चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आगे की ओर चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। मंदिर का दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके थे प्रसिद्ध चाची की दुकान, बनारस की सबसे प्रसिद्ध दुकान है जहाँ पे नाश्ता यार काफ़ी कमाल का मिलता है। और बताया जाता है कि ये दुकान जो है काफ़ी पुराना है और यहाँ पे लोग जो इनकी ओनर थी चाची, उनकी गाली खाने के लिए आते थे, बट हम लोग यहाँ पे नाश्ता खाने के लिए आए हैं। और ऐसा हुआ कि हम लोग सेकेंड हाफ में आए थे जिसके कारण नाश्ता हम लोगों को नहीं मिला, यानी कि यहाँ जो कचौड़ी और सब्जी का जो नाश्ता होता है वो इस टाइम नहीं था, तो हमने मंगा लिया है लौंगलता। और इस टाइम समोसा, जलेबी, यही सारा चीज़ अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और रेट भी भाई साहब काफ़ी जिनविन है, काफ़ी कमाल का है। बाकी खा के टेस्ट करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। और सामने आप देख सकते हो 1915 से ये दुकान है, और जो सामने फ़ोटो लगा हुआ है यही चाची की फ़ोटो है। बाकी आपको आगे हम खा के टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। और बाकी भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जी इस तरह से समय हो चुके थे 3:30 और हम लोग यहाँ से निकल चुके थे नमो घाट के लिए। हालांकि शाम का टाइम हो चुका था, तो जो गाड़ी है यानी गदौलिया के लिए जो गाड़ी है भाई, वो डायरेक्टली मेन रोड से होकर नहीं जाकर गली गली से होकर जाता था। तो आज हम बनारस की गली को भी देखने वाले हैं। आप देख सकते हो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसे यार पैदल चलना मुश्किल होता है लेकिन इसमें गाड़ियाँ भी चल रही है। आप रास्ते देख सकते हो कितने पतले पतले हैं, अगर दोनों साइड में बाइक लग जाए तो बीच में पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बच जाता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से नमो घाट की ओर। नमो घाट जो है आप ऐसा बोल सकते हो कि बनारस का सीधा दूसरा छोर, यानी कि काशी, जो आप काशी रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बगल में जो घाट बना है वो है नमो घाट। आपको वहीं लेके चलने वाले हैं, तो फिर चलिए आगे और आगे का व्यू आप इंजॉय कीजिए। और जी फाइनली पूरा दिन घूमने के बाद अभी हम लोग हैं राजघाट में, और राजघाट से जा रहे हैं नमो घाट की ओर। नमो घाट जो कि नया घाट बना है, और बोला जाता है कि ये जो भी घाट है यहाँ पे वो लास्ट पड़ाव है। जहाँ भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ऊपर से रेलवे ट्रैक गुजरा है, और रेलवे ट्रैक के जस्ट ऊपर से रोड गुजरा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और हमें उम्मीद है भाई साहब ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बाकी चलते हैं आगे, आगे चल के आपको दिखाते हैं नमो घाट का फुल व्यू। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और फाइनली अभी जो आप व्यू देख रहे हैं, जो नज़ारे आपको सामने में दिख रहे हैं, ये है नमो घाट का, काफ़ी कमाल का व्यू है। और इस घाट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपको बोट्स मिल जाते हैं ये CNG से चलते हैं। और सामने में आपको दिख रहा होगा जो ओवरब्रिज है यहाँ पे, जो पुल बना हुआ है इसके ऊपर में नीचे में ट्रेन जाता है, ऊपर से रोड जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा व्यू आता है। मतलब लोग यार ये सारे चीज़ों के दीवाने हो जाते हैं। बाकी अगर यहाँ की सुंदरता की बात किया जाए तो और भी कमाल का है। सामने में आपको दिख रहे होंगे जो हाथ को जोड़े हुए जो यहाँ पे सिंबल बनाए हुए हैं वो काफ़ी भव्य दिखते हैं, काफ़ी कमाल के दिखते हैं। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ।
तो भाई साहब ये था व्यू नमो घाट का। हमें उम्मीद है यार कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।